जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 79 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। यहां वे पिछले 15 दिनों से भर्ती थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में 7 दिनों के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई। शहीद को विगत 24 दिसंबर को बुखार और गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स के चिकित्सकों ने उन्हें सेप्सिस, ब्लड काउंट्स में कमी और निमोनिया से पीड़ित पाया था। वह एम्स के आईसीयू में थे और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनकी प्लेटलेट्स में खतरनाक स्तर तक गिरावट आई थी, जिसकी वजह से वे पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई और गुरुवार को सुबह 8 बजे लगभग उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह एम्स पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पालम एयरपोर्ट जाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि दी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शहीद के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें एक महान नेता बताया। उनके पार्थिव देह को श्रीनगर ले जाकर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उन्हें दक्षिण कश्मीर में उनके पैतृक गांव में दफनाया जाएगा। पीडीपी बीजेपी गठबंधन के नेता के रूप में दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद वीपी सिंह की सरकार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। एमआईएम नेता ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले संगठन आईएस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आईएस ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला है। ओवैसी ने कहा कि उनके ट्विटर अकाउंट पर अबाउट लाउड से एक संदेश आया है जिसमें लिखा है कि अगर तुम आईएस के बारे में नहीं जानते हो तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो, आईएस भारत पर जल्द चढ़ाई करेगा। ओवैसी ने बताया कि एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि तुम्हारा भारतीय मुस्लिमों के प्रति अपमान और आईएस का विरोध तुम्हें दोजख में ले जाएगा, जहां अंत से पहले पश्चाताप होगा। ओवैसी ने कहा कि आईएस इसलिए ताकतवर हो रहा है क्योंकि इसके पीछे अमेरिका है, मगर यह एक शैतानी ताकत है। आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद ओवैसी अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। अपने बयानों में उन्होंने पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा। बहरहाल ओवैसी के इस दावे ने सभी को चौंका दिया है। ओवैसी ने कहा कि वह आईएस की इन धमकियों से नहीं डरते, वह एक आतंकी संगठन है। वह आज ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको बता दें कुछ समय पहले बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें आईएस की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। अभिनेता आमिर खान अब सरकार के अतुल्य भारत अभियान में नजर नहीं आएंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि आमिर खान का करार समाप्त हो चुका है। अतुल्य भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया जा सकता है। आमिर ने अनुबंध समाप्त होने की घोषणा के बाद सभी को धन्यवाद देते हुए अनुबंध समाप्ति के निर्णय का सम्मान किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि हमारा अतिथि देवो भव अभियान के लिए मैककेन वर्ल्ड वाइड के साथ अनुबंध था। एजेंसी ने इस काम के लिए आमिर की सेवा ली थी। अब एजेंसी के साथ अनुबंध खत्म हो गया है। मंत्रालय ने आमिर की सेवा नहीं ली थी क्योंकि एजेंसी के साथ अब अनुबंध नहीं रहा। मंत्री ने कहा कि अतिथि देवो भव अभियान अतुल्य भारत अभियान का अंग है, जिसे यूपीए शासन काल में शुरू किया गया था। मैककेन वर्ल्ड वाइड एजेंसी के प्रमुख प्रसून जोशी ने कहा कि मैककेन एक सामाजिक जागरूकता अभियान अतिथि देवो भव के साथ अनुबंध था। आमिर खान ने इसके लिए उदारता पूर्वक योगदान दिया था। हमने मंत्रालय को अभियान सौंप दिया था। बता दें कि 2010 और 11 में आमिर खान इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और वे इस कैंपेन के लिए सरकार से कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। गौरतलब है कि आमिर खान उस वक्त विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने भारत में कथित तौर पर असहिष्णुता बढ़ने की बात कही थी। आपको बता दें कि 2010 और 11 में आमिर खान इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और वे इस कैंपेन के लिए सरकार से कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। गौरतलब है कि आमिर खान उस वक्त विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने भारत में कथित तौर पर असहिष्णुता बढ़ने की बात कही थी। हालांकि पर्यटन मंत्रालय ने अभी तक अतुल्य भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा और उसका नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन लोगों को अनुमान है कि मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के नाम पर मोहर लग सकती है। आमिर खान ने कहा कि मैं सरकार के फैसले का सम्मान करता हूं, मैं रहूं या ना रहूं भारत हमेशा अतुल्य बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। प्रदेश में चौपहिया वाहनों की तरह ही अब दुपहिया वाहनों के लिए भी स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। आज हुई सब कमेटी की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इसके अलावा आने वाले दिनों में शुरू होने वाले रोड सेफ्टी अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी। सूबे में पहली बार चौपहिया वाहनों की तरह ही दुपहिया वाहनों के लिए भी अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर पुलिस मोबाइल भी जब्त करेगी।
सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में ISI मार्का वाले हेलमेट पहनना भी अनिवार्य किया और साथ ही बिना मार्का वाले हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परिवहन मंत्री यूनुस खान और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। बैठक में लगातार हादसे होने वाले 184 चिन्हित स्थानों की जानकारी भी रखी गई और तय किया गया कि अगले एक माह में सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर और पुलिस के अधिकारी जाकर जायजा लेंगे और इसमें सुधार भी करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान एक ही समय में एक ही आदेश पर फॉलो किया जाएगा और इसकी जानकारी उस समय तक किसी को नहीं होगी। राजस्थान में लिंगानुपात के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई हमारी बेटी एक्सप्रेस बसों की अनदेखी पर प्रदेश कांग्रेस ने गहरी चिंता जताई है। PCC उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए बयान दिया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने साल 2012 में यह योजना शुरू की थी, जिसके तहत लिंगानुपात के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया गया था। तमाम सुविधाओं से लैस ये बसें प्रदेश भर में घूम घूम कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। एक ओर तो PM मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी बेटी एक्सप्रेस बसों की प्रशासनिक अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक सरोकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर विराम लगने के साथ ही लाखों रुपए खर्च कर तैयार किए बसें भी कबाड़ में धूल खा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस ने मांग रखी है कि इन बसों को फिर से चालू किया जाए। इसके साथ ही देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बिना भेदभाव लागू रखा जाए। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा एक अन्य व्यापारी पर तेजाब डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते सोने चांदी के व्यापारी ने अपने पास ही रहने वाले एक म्यूजिक शॉप के व्यापारी को पहले तो अपने पास बुलाया, उसके बाद उससे झगड़ा शुरू कर दिया तथा अपने साथ लाई हुई तेजाब की बोतल उसके सर पर फोड़ दी। और यही यह व्यापारी सिर्फ यही नहीं रुका, इसने इसके बाद दो अन्य बोतलों में भरा हुआ तेजाब भी उस पर फेंक दिया। इसके चलते गंभीर रूप से घायल हुए इस व्यापारी को MB चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची अंबा माता पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरी घटना के पीछे बताया जा रहा है कि इन दोनों व्यापारियों को अपनी दुकान के आगे फीमल थूकने को लेकर चलते विवाद था, लेकिन घटना के पीछे आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग की बात भी बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में भू माफियाओं ने दलित लोगों पर जमीन खाली कराने की धमकी देकर हमला कर दिया। इस संघर्ष के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें कामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कामा कस्बे के धौला कुआ मोहल्ला में सरकारी जमीन पड़ी है, जिस पर दलित समाज के लोग झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। इनको नगर पालिका द्वारा सरकार आपके द्वारा अभियान में पट्टे भी जारी कर दिए थे, लेकिन कामा में कुछ भू माफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ी और फर्जी कागज बनाकर इस जमीन को हड़पना चाहते थे और इसी को लेकर आज भू माफिया जमीन खाली कराने के लिए दलित समाज के लोगों के पास पहुंचे, जहां यह घटनाक्रम घटित हुआ। घटना के बाद कामा पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही दलित समाज के लोग SDM ऑफिस पहुंच गए, जहां भू माफियाओं की शिकायत की, जिस पर SDM ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर समाज के लोगों को शांत किया। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दोनों साथी बदमाशों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया इलाके के एक मंदिर में पोस्ट बोर्ड के कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता बलबीर सिंह पर साथी बदमाश जितेंद्र मीणा ने देसी पिस्टल से फायरिंग की और अपने साथी हिमांशु के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में DCP ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें चार थानों के SHO को शामिल किया गया। टीम ने आरोपी को प्रताप नगर थाना इलाके में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद बस्ती भाग गए थे, वहां से छिपते छिपाते आज जयपुर लौटे हैं। पुलिस की नाकाबंदी देख दोनों आरोपी बाइक छोड़ के भागने लगे, इसके बाद पुलिस ने घेरा बनाकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ करने में लगी है और उनका पिछला रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। राजधानी की जवाहर नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजधानी में गैंगवार की फिराक में घूम रहे दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली कि जवाहर नगर थाना इलाके के मोनी लेक अस्पताल के पास दो बदमाश घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार हो सकते हैं।
जिस पर पुलिस ने एक टीम का गठन कर मौके पर दबिश दे दोनों बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने लाई और उनसे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि दोनों बदमाश शातिर गैंगस्टर गगन पंडित की गुर्गे हैं, जो कि गगन पंडित पर गत दिनों पहले हुए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस ने एक गैंगवार को होने से पहले ही रोक लिया और दोनों बदमाशों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आई योगेश और बंटी पहले भी गैंगवार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस इस पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार ये दोनों राजधानी में गैंगवार किस इलाके में करने आए थे और वो कौन लोग हैं जो इनके निशाने पे थे। फिलहाल गगन पंडित के दोनों गुर्गे अब पुलिस की हिरासत में हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी पूछताछ में और कितने बड़े खुलासे पुलिस कर पाती है। जयपुर सेल्टेक्स विभाग की एंटी एविजन राजस्थान सर्कल द्वितीय की टीम ने धौरपुर करीको क्षेत्र में सरसों का तेल बना रही दो कंपनियों पर छापेमार कार्रवाई की। सेल्टेक्स विभाग की एंटी एविजन राजस्थान सर्किल द्वितीय की टीम ने धौलपुर के रिको क्षेत्र में सरसों का तेल बना रही दो कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की। एडिशनल कमिश्नर संदेश नायक के निर्देश पर धौलपुर पहुंची सेल्टेक्स विभाग की तीन टीमों ने एसीटीओ राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में छापा मारा। रिको में चल रही शिव ऑयल इंडस्ट्रीज और शंकर ऑयल इंडस्ट्रीज पर छापे के दौरान टीम को मौके से सरसों के तेल से भरी टीन का स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला, जिस पर टीम ने मौके से स्टॉक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। छापे के दौरान ऑयल मिलों में तेल में मिलावट करने का सामान मिलने पर सेल्टेक्स विभाग की टीम ने खाद्य निरीक्षक को मौके पर बुलाकर सरसों तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। बहरहाल छापे के दौरान ऑयल मिलों में तेल में मिलावट करने का सामान मिलने पर सेल्टेक्स विभाग की टीम ने खाद्य निरीक्षक को मौके पर बुलाकर सरसों तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही स्टॉक रजिस्टर न मिलने पर विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आज गंगागढ़ गांव में अवैध रूप से शराब बनाने वाले निर्माताओं पर कार्रवाई की। वहीं शराब बनाने में प्रयोग लाई जाने वाली 8 भट्टियों को नष्ट किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के तहत हथकड़ शराब निर्माताओं के गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर वाश नष्ट करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया गया। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर गठित टीम ने हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन पुलिस ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ गंगागढ़ गांव में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 चालू भट्टियों को नष्ट किया और करीब 200 लीटर शराब बरामद की। पुलिस की कार्रवाई से हथकड़ शराब निर्माताओं में हड़कंप मच गया और कार्रवाई से पूर्व अधिकतर शराब निर्माता मौके से फरार हो गए। मौके पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी कि पुलिस को भट्टियों और वाश नष्ट करने में करीब 3 घंटे लगे। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और अन्य सामान भी जब्त किया। पुलिस द्वारा शराब निर्माताओं पर कार्रवाई कोई नई नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, मगर गंगागढ़ गांव के अंदर शराब बनाने का काम जोरों पर है। देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद में गंगागढ़ के अंदर जो शराब निर्माता है उनपे कितना खौफ होता है और कब तक वे अपना कार्य बंद करते हैं। जिले में मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए अजमेर जिला पुलिस के 2 अलग अलग थानों ने कुल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए कीमती इसमें चरस और गांजा बरामद हुआ है। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने बुधवार रात स्पेशल टीम की सूचना पर कार्रवाई करते करते हुए नौसर घाटी के पास नाकेबंदी की। इसी मध्य पुष्कर से अजमेर आ रहे मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो 3 तस्करों के कब्जे से कुल 173 ग्राम इसमें बरामद की। तीन अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं और एक ही मोटरसाइकिल पर पुष्कर से अजमेर सप्लाई करने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए इसमें की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 17 लाख से ज्यादा आकी जा रही है। दूसरी कार्रवाई दरगाह थाना पुलिस ने की। पुलिस ने अंदरकोट स्थित जालियान कब्रिस्तान के पास कासिम नामक युवक को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस ने जब कासिम की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 5.5 किलो गांजा और 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी कासिम पहले भी नशे के कारोबार में लिप्त बताया जा रहा है। पकड़े गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 14.5 लाख रुपए आकी जा रही है। पुष्कर में विदेशी और दरगाह के आसपास देसी पर्यटकों की आवाजाही की वजह से नशीले पदार्थों की काफी मांग रहती है। यही वजह है कि ये गोरख धंधा लंबे समय से चलता है। हालांकि पुलिस कभी कभी कार्रवाई करते हुए कुछ तस्करों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये धंधा बदस्तूर जारी है। मुझे शहर में आज मानव तस्करी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 बाल मजदूरों सहित 2 बालिकाओं को नरक से मुक्त करवाया है। यह कार्रवाई टीम ने अलग अलग स्थानों पर की। शहर में आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए शहर से अलग अलग स्थानों पर बाल श्रम कर रहे कुल 9 बालकों को मुक्त करवाया है। यह कार्रवाई मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने उंदाला की डोंगरी से 5 मजदूरों को और बहादुर सर्किल से 3 मजदूरों को और एक को मालन मासी बालाजी इलाके से मुक्त करवाया है और यूनिट
यूनिट ने लाकर बालकों से पूछताछ की और परिजनों को अवगत करवा दिया गया है। इसमें से कुछ बाल शर्म कर रहे हैं बालक बैंड का काम करते हुए मिले और कुछ ड्रम भी जब्त किए हैं। मानव तस्करी विरोधी यूनिट अब पूरी जांच कर रही है। इस कार्रवाई में दो बालिका भी पकड़ी गई है और सभी बच्चों को पढ़वा चुड़ा कर उनके माता पिता ये बाल शर्म करवा रहे थे, जिस पर आज ये कार्रवाई की है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने आज ऑपरेशन स्माइल 2 के तहत शहर में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और सभी बाल मजदूरों को बाल संपर्क गृह में भेज दिया है तथा उन दुकानदारों के खिलाफ जेजे एक्ट का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2015 में जिले में 4.5% अपराधों में कमी आई है। डकैती, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, बलवा जैसे संगीन मामलों में कमी देखी गई, तो वहीं हत्या तथा नकबजनी जैसे मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। चित्तौड़गढ़ में कई वर्षों बाद अपराध का ग्राफ नीचे आया है। वर्ष 2015 के दौरान हत्या व नकबजनी के मामलों में इजाफा हुआ, तो वहीं डकैती, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, बलवा जैसे संगीन मामलों में 4.5% की कमी आई है। वहीं वर्ष 2015 के दौरान लूट के खुलासों के साथ पुलिस की रिकवरी भी अच्छी रही। पुलिस ने बदेसर क्षेत्र में 2 करोड़ की लूट का खुलासा करते हुए 65 लाख रुपए अब तक बरामद भी किए हैं। वहीं 4 ट्रक शराब पकड़कर राजस्थान में इतिहास भी बनाया था। पुलिस अधीक्षक प्रसन्न खमेसरा ने बताया कि महिलाओं के छेड़छाड़ के मामलों में भी पुलिस जागरूक रही, तो वहीं वर्ष 2015 के दौरान 77 किलो अफीम, 16,000 किलो डोडा चूरा, 90 ग्राम स्मैक के साथ 188 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वहीं बीते वर्ष में सांप्रदायिक तनाव में पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विगत वर्षों के मुकाबले पेंडेंसी में भी भारी कमी आई है तथा पेंडेंसी 6.6 से घटकर 4.8 ही रही है। बहरहाल जहां जिले में 4.5% अपराधों में कमी आई है, तो वहीं जिले में सट्टे का कारोबार तथा जिले की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के चलते आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष की प्राथमिकता में सट्टे के कारोबार पर लगाम लगाना तथा जिले में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को पुख्ता करना पुलिस की प्राथमिकता होगी। राजधानी जयपुर के अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अगर इन अवैध निर्माणों को बचाने के लिए किसी जनप्रतिनिधि या आमजन ने कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की तो नगर निगम उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने से भी नहीं चुकेगा। नगर निगम आयुक्त आशुतोष पेंडणेकर के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों की कमान पहली बार जोन उपायुक्तों को सौंपी गई है। इस अभियान के तहत नगर निगम की ओर से शहर में अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण करने के साथ ही नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम को कार्रवाई के दौरान विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त के ये निर्देश कितने असरदार साबित होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए आज जिला प्रशासन, यूआईटी और नगर निगम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, तो वहीं इस अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी और आमजनों के बीच कहासुनी भी हुई। बीकानेर शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए आज जिला प्रशासन, यूआईटी और नगर निगम की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की, तो वहीं कुछ स्थानों पर अधिकारी और अतिक्रमण करने वालों के बीच कहासुनी भी हुई। आज सुबह से शुरू हुए इस अभियान से शहर के नथुसर गेट क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर पुलिस व अधिकारियों के साथ उनकी बोलचाल भी हुई, लेकिन बाद में अधिकारी की समझाइश के बाद इस क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। तो वहीं रंगोली क्षेत्र में नगर निगम की 4 जेसीबी मशीनों ने एक सिरे से कब्जों का तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक के बाद एक कब्जे तोड़े गए, घरों व दुकानों के आगे बनाए गए चौकियां और रैम भी तोड़े गए। तो वहीं कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों ने अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण करने का भी आरोप लगा दिया, तो वहीं इस अतिक्रमण को लेकर लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि ना तो हमें नोटिस दिया गया है, ना ही हमें कोई प्रकार की सूचना दी गई है। अब देखना होगा कि इस प्रकार नगर निगम द्वारा चलाया गया इस अभियान कितना सफल हो पाता है और नहीं। हादसों के बाद हरकत में आना मानव प्रशासनिक मशीनरी की रवायत ही बन चुकी है।
कुछ ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों श्रीगंगानगर में बनी हुई हैं, जहां गंगा सिंह चौक के पास बने रेलवे अंडर ब्रिज की छत और दीवारों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। रेलवे अंडर ब्रिज से पानी रिसाव होने का यह सिलसिला कई दिनों से ही चल रहा है। जिस छत से पानी टपक रहा है उसके ऊपर से दिन भर रेलगाड़ियां गुजरती हैं, वहीं इस अंडर ब्रिज के अंदर से लोगों का गुजरना भी जारी है। हैरत इस बात की भी है कि इसी अंडर ब्रिज से प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां भी बदस्तूर गुजरती हैं, बावजूद इसके सभी ने ही मानो अपनी आंखें मूंद ली हैं। आम जनता पानी रिसाव से होने वाले खतरे से खौफजदा है। आपको बता दें, इस अंडर ब्रिज का निर्माण सितंबर 2013 में करवाया गया था। जुमा जुमा दो साल ही गुजरे हैं कि अब पानी ने परेशानी खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां कई जिंदगियां दांव पर लगी हैं, वहीं रेलवे के अधिकारी मानो हादसे का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे इंजीनियर की माने तो पानी की पाइप में कहीं न कहीं से लीकेज है और यही पानी अंडर ब्रिज की छत और दीवारों के अंदर पहुंचकर टपक रहा है। वहीं इस पाइपलाइन को दुरुस्त करवाने के लिए सिवाय कागजी घोड़े दौड़ाने के कुछ भी नहीं किया जा रहा। जिस तरह से रेलवे इस मामले में लापरवाही बरत रही है, यह लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी साबित हो सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अक्सर हादसों के बाद अपना दुख जाहिर करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब तक हो पाता है, ताकि किसी बड़े हादसे से वक्त रहते ही बचा जा सके। टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं को बुलाने पर विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। दरअसल टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अंदर कांग्रेसी नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा को बुलाया गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्र संघ उपाध्यक्ष जीतराम चौधरी हैं, जो कि एबीवीपी के बैनर तले यहां से जीत के गए थे, उनसे इसमें सलाह नहीं ली गई और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण कर दिया गया। इसी बात को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन करने लगे। जैसे ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका, उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। इसी बात से अफवाह होकर वहां मौजूद थाना अधिकारी ने पुलिसकर्मियों के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी, जिसमें 5 एबीवीपी के कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से छात्र संघ उपाध्यक्ष जीतराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी व पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की तैयारी कर ली है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया। शिक्षा संकुल स्थित सभागार में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने यह परिणाम जारी किया। नवंबर दिसंबर माह में हुई परीक्षा के परिणाम में इस बार 10वीं का कुल परिणाम 44.01% रहा, वही 12वीं का कुल परिणाम 50.50% रहा। 10वीं कक्षा में इस बार महिला वर्ग का कुल परिणाम 46.35% और पुरुष वर्ग का 41.48% परिणाम रहा। भाई बात करें 12वीं कक्षा की, तो इसमें महिला वर्ग का कुल परिणाम 52.82%, तो वहीं पुरुष वर्ग का 47.38% परिणाम रहा। इसके साथ ही स्टेट ओपन स्कूल की ओर से अप्रैल मई माह में आयोजित हुई परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मीरा और एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेतड़ी उपखंड का मुंडकी गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक 12 वर्षीय लड़के में लोगों को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा नजर आ रही है और इसी बीच खबर ये भी है कि गांव की ही जमीन से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट होने वाली है। इस खबर ने लोगों के बीच में कौतूहल पैदा कर दी है। खेतड़ी उपखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मुंडकी गांव के 2 घरों की बस्ती पिछले 15 दिनों से सुर्खियों में आई हुई है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, मुंडकी के रहने वाले ताराचंद गुर्जर के 12 वर्षीय पुत्र विजेश का भगवान कृष्ण का अवतार लेने की अफवाह क्षेत्र में उड़ी हुई है। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी हुई है कि कृष्ण जी की मूर्ति भी जमीन से प्रकट होने वाली है। इस अफवाह से गांव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थल पर पूजा पाठ शुरू हो गया है व अभी तक लाखों रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया जा चुका है। लोगों की माने तो यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि यहां आकर 7 दिन तक या फिर 14 दिन तक झाड़ा लगवाने से किसी भी असाध्य बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा या अन्य किसी भी बीमारी को यहां आने से ठीक हो जाती है। इसी को सुनकर पिछले 15 दिन से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता होने के बावजूद छोटी गाड़ियां तो क्या ट्रैक्टर ऊंट गाड़ियों की रेलम पेल मची हुई है। हाथों हाथ कंक्रीट डालकर सड़क बनाने का काम भी शुरू हो गया है। स्थल के आसपास पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें भी खुल गई हैं, जहां पर मूर्ति प्रकट होने की बात बताई जा रही है। वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। अफवाह उड़ाई जा रही है कि 2 दिन के अंदर मूर्ति प्रकट होगी।
लोगों के अंधविश्वास के चलते पूजा पाठ का दौर चालू हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि न तो मौके पर प्रशासन पहुंची है और न ही पुलिस ने कोई खबर ली है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2016 जोधपुर में शुरू हो गया है। इसमें देश भर के हस्तशिल्पियों के कलात्मक उत्पाद आम जनता को उपलब्ध कराए गए हैं। उत्सव विधिवत रूप से शुरू हो गया है, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी करेंगे। उत्सव आयोजन समिति ने रावण का चबूतरा मैदान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से 26वें उत्सव की शुरुआत की। इसमें देश भर के हस्तशिल्पियों और उद्यमियों के उत्पाद बिक्री के लिए आम जनता को उपलब्ध हैं। 17 जनवरी तक चलने वाले इस हस्तशिल्प उद्योग मेले का मुख्य आकर्षण स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पांडाल है। इसमें हस्तशिल्पियों और उद्यमियों के बेहतरीन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। उत्सव के दौरान कई संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी होंगे। सरकारी भागीदारी में होने वाला यह मेला राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन मेले के लिए अब तक स्थायी स्थल आवंटित नहीं किया गया है। मेला स्थल बदलते रहने के कारण इसमें मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं की जा सकी हैं।